अगली खबर रीवा से सामने आ रही है। महापौर पद गंवाने पर वरिष्ठ बीजेपी नेता का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। निगम चुनाव में हार पर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला का यह बड़ा बयान जनता ने बेहतरी के लिए झटका दिया है। जनता ने सोचा कि झटका दे जिससे बेहतर हो जाए। जनता बेहतरी की उम्मीद सिर्फ बीजेपी से करती है, जिसको समर्थन देती है उससे सुधार की उम्मीद भी रखती है। महापौर पद गंवाने पर वरिष्ठ बीजेपी नेता का एक बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि जनता ने बेहतरीन के लिए झटका दिया है, सोचा है कि जो बेहतर कर सकता है उसी से आगे सुधार की उम्मीद है। सब कुछ होने के बाद भी जनता ने सोचा हो कि एक बार झटका दें जिससे कि और ये बेहतर हो जाए, क्योंकि बेहतरी की उम्मीद जनता को और किसी से नहीं है। जो करता है बेहतरी की उम्मीद यदि जनता को किसी से है तो हम ही से है, भारतीय जनता पार्टी से है। तो वो जो कमी है उसको भी दूर कर लेंगे, लेकिन संकल्प एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी तभी हम। यदि जनता ने पिछले 18 सालों से जिताया नहीं होता तो रीवा में इतना बड़ा परिवर्तन करने में हम कभी सक्षम नहीं हो पाते। और आज यहाँ से आप हनुमना चले जाइए और चाकघाट तक चले जाइए और इधर गुड़ की सीमा तक चले जाइए, इधर बेला चले जाइए, जो विकास की तस्वीर दिखाई देती है और जो आम आदमी के प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ी है सिंचाई की नहरों से, उससे जो तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देती है, तो वो सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया है। और जिसको आशीर्वाद और समर्थन जनता देती है उससे और सुधार की उम्मीद करती है, और इसलिए हो सकता है इस नगर निगम के चुनाव में उन्होंने झटका। चलिए और अधिक चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइन जुड़ रहे हैं। मनोज जी, एक लाइन है बहुत फेमस है कि दाग अच्छे हैं, और इस तरह से मुझे लगता है कि राजेंद्र शुक्ला जी कह रहे हैं कि झटका अच्छा है, और इस नेगेटिव सिचुएशन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी उन्होंने ढूंढ ली है। क्या जानकारी इस पर? देखिए अवंतिका, इसके मायने बड़े गहरे बड़े लंबे हैं, और जहाँ तक बात करें राजेंद्र शुक्ला की तो वो बहुत ही वरिष्ठ नेता है, दो बार से मंत्री रहे हैं और बिंद के लिहाज से भी हम सोचे तो एक बहुत बड़ा चेहरा है। लेकिन ये बात सच है कि निगम के जब चुनाव हुए तो निगम में झटका लगा भारतीय जनता पार्टी को, एक नहीं बल्कि पांच पांच जगह से झटका भारतीय जनता पार्टी के हाथ आया है। तो उन्होंने यही कहा कि एक झटका दिया है, और जब कभी कोई जनता कुछ ऐसा निर्णय देती है तो वो यही कहती है, सबक सिखाती है, लेकिन उससे सबक लेकर हम आगे बढ़ेंगे। पर इसके मायने यदि हम दूर तक देखते हैं तो 2023 से पहले बिंद वो है जहाँ 2018 में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सफलता मिली, लेकिन महाकौशल से जरूर बीजेपी के पक्ष में उतना अच्छा प्रतिसाद नहीं मिल पाया था बीजेपी को। लेकिन अब यदि 23 से पहले वहां के महापौर पद गंवाना पड़ा, अजय मिश्रा वहां से जीत कर आए हैं, और दूसरी तरफ हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, और ये भी कहा जाता है कि राजेंद्र शुक्ल के बड़े नजदीकी थे, उन्होंने बहुत मेहनत की थी, उसके बावजूद वो हार गए वहां से। तो उनका यही कहना है कि एक झटका लगा है, पर यह झटका अकेला एक निगम के हम बात ना करते हुए यदि मध्य प्रदेश के लिहाज से मध्य प्रदेश के इसके मायने निकालना चाहेंगे तो बिंद बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात यह है कि जहां जहां ऐसी स्थितियां बनी है, मतलब भारतीय जनता पार्टी को निगम के बतौर जनता ने एक सबक सिखाया, एक झटका दिया, तो उन्होंने कहा कि इससे सबक लेना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। अब कितना कौन समझ पाता है, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी जरूर है जो समय के साथ अपने आप को बदलती है, समीक्षा करती है और फिर आगे बढ़ती है। तो क्या ये माना जाए कि शायद इसी तरफ इशारा था राजेंद्र शुक्ल का? ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज जी इस पूरी चर्चा के लिए। तो महापौर पद गंवाने के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र शुक्ला का ये बड़ा बयान, झटका दिया है जरूर जनता ने, लेकिन सुधार की उम्मीद भी बीजेपी से ही जनता करती है।